हेलो गाइस वेलकम टू एक्स माइंड्स तो आप देख रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन का लेक्चर फाइव तो इस लेक्चर में हम कुछ लॉज की बात करेंगे ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सो विदाउट फर्दर लेट्स एडून तो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स थोड़े क्लियर होने चाहिए कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं और उसकी जब डिग्री डिफाइन करते हैं यानी कि वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाला है तो उसमें कुछ टर्म्स का हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज एक नंबर है एट एंड उसका एक्सपोनेंट हमने एम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक खुद से ही एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सपोज यहाँ पर एम की वैल्यू टू होती तो यानी कि एक खुद से दो बार मल्टीप्लाई होता एंड सिमिलरली बाकी वैल्यूज के लिए भी ये बात ट्रू रहती तो जिस नंबर को हम नीचे लिखते हैं उसको हम बेस बोलते हैं जितना डिग्री हम ऊपर लिखते हैं यानी वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और ये जो पूरा वैल्यू हमें यहाँ पर दिखता है इसको हम पावर बोलते हैं इस लेक्चर में मैं एक्सपोनेंट की जगह बहुत जगह पावर वर्ड का यूज करूंगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना तो जो फर्स्ट लो है वो ये कहता है कि अगर बेस सेम है और उनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो एक्सपोनेंट्स जो हैं ऐड हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्री रेस टू द पावर फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं थ्री रेस टू द पावर टू तो यहां पर क्योंकि बेस सेम है जो कि थ्री है तो थ्री एज इट इज रहेगा और पावर्स जो हैं वो एड हो जाएंगी यानी कि आंसर क्या हो जाएगा थ्री रेस टू पावर सेवन अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखें तो थ्री रेस टू पावर फाइव होता है टू फोर्टी थ्री मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर होता है नाइन तो इसको सॉल्व करने पर आती है वैल्यू टू वन एट सेवन एंड इफ वी सॉल्व थ्री रेस टू पावर सेवन यानी थ्री को खुद से ही सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी टू वन एट सेवन ही आता है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं टू रेस्ट टू दावर फोर मल्टीप्लाय टू रेस्ट टू द पावर थ्री तो क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो टू एज इट इज रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी एड यानी कि आंसर हो जाएगा टू रेस्ट टू द पावर सेवन आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते टू को खुद से ही फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो आता सिक्सटीन एंड टू का क्यूब करते तो आता एट इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता 128 और अगर आप 2 को उससे ही सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो भी आपको आंसर 128 ही देखने को मिलता नेक्स्ट लो ये कहता है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है एंड उसकी भी कोई पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइव रेस्ट टू द पावर थ्री एंड दिस रेस टू द पावर टू विल बिकम फाइव रेस टू द पावर थ्री मल्टीप्लाई टू विच इज फाइव रेस टू द पावर सिक्स तो आप इसको नॉर्मली सोल्व करते फाइव का क्यूब क्या होता है 125 एंड उसका स्क्वायर एंड 125 का स्क्वायर होता है 15625 और अगर आप 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो उससे ही तो भी आंसर 15625 ही आता सिमिलरली हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं सपोज 6 रेस टू द पावर 12 एक नंबर है इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 6 रेस टू द पावर 3 एंड दैट रेस टू द पावर 4 क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई फोर ट्वेल्व ही हो जाना है और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं टू टू द द पावर पावर एंड दैट जो वैल्यूज है ये सिक्स रेस्ट टू बराबर ही रहेंगे कि जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइव की पावर फाइव इज डिडेड की पावर टू फाइव स्क्टिक क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाय फाइव वन ट्वेंटी फाइव अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते फाइव रेस टू पावर फाइव होता है थ्री वन टू फाइव एंड फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव तो इस नंबर को ट्वेंटी फाइव से डिवाइड करने पर भी 125 आता है ओके गाइस सो इसके बाद का जो लो है वो काफी सिंपल है इस लो के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल या नंबर की अगर पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू जो है वन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल थर्टीन की पावर जीरो है तो उसका आंसर भी वन ही होगा अगर कोई वेरिएबल भी है सपोज वाई एंड वाई की पावर जीरो है

बेस सेम होते हैं और वो डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस हो जाती और इसका उल्टा भी है अगर 1 7 की पावर होता तो उल्टा हो जाता सेवन की पावर पॉजिटिव हो जाती यानी सेवन स्क्वायर हो जाता एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द दिक्कत लॉ अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में होती है और फ्रैक्शन में भी ऐसे कि वन अपॉन समथिंग होती है तो उतना ही टाइम्स उसका रूट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर 16 की पावर हाफ बताई हुई है तो इसका मतलब 16 का रूट हो जाएगा, ऐसे ही अगर किसी नंबर की पावर वन अपॉन थ्री है तो इसका मतलब उस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव खुद से ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है वो है फाइव तो यहाँ तक क्लियर होगा अगर फ्रैक्शन में पावर होती है वो भी इस फॉर्म में कि वन अपॉन समथिंग तो उतने ही टाइम्स उसका रूट हो जाता है जैसे कि अगर वन टू फोर जीरो की पावर वन अपॉन फाइव है तो इसका मतलब वन टू फोर जीरो का फिफ्थ रूट हो जाएगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड देन प्रीवियस लॉज से जो हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग उनको सॉल्व भी किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर नाइन की पावर थ्री अपॉइंट टू दी गई है तो हम नाइन की पावर को थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉइंट टू बोल सकते हैं नाइन का क्यूब करना अब कंपेरेटिवली हार्ड है तो इसलिए हम हाफ को अंदर ले सकते हैं और थ्री को बाहर तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नाइन की पावर हाफ एंड उसकी भी पावर थ्री अब क्योंकि यहाँ पे नाइन की पावर हाफ है इसका मतलब नाइन का स्क्वायर रूट होएगा और उसका क्या है क्यूब हो रहा है नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होता है और थ्री का क्यूब क्या होता है ट्वेंटी सेवन इसका ही जस्ट हम अपोजिट भी लिख सकते हैं रेडिकल साइन के अंदर इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं रेडिकल साइन के अंदर एक नंबर है ट्वेंटी क्यूब और इसका फोर्थ रूट किया जा रहा है इसका मतलब ट्वेंटी क्यूब की पावर जो है क्योंकि और जब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी रेस टू दावर थ्री अपॉन फोर यानी ट्वेंटी रेस टू दावर थ्री या पॉन फोर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड फाइनली लास्ट लॉ ऑफ़ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर दो अलग अलग नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनकी पावर सेम है तो इस केस में वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी पावर जो है कॉमन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर अब देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो अगर बेस सेम नहीं होता तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन और पावर जो है वो कॉमन हो जाती है यानी टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225. आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन मल्टीप्लाई फाइव का स्क्वायर होता है 25. फाइव नाइन को 25 से मल्टीप्लाई करने पर भी 225 ही आंसर आता जो कि पहले भी लो का यूज करके आ रहा था

जब नंबर्स सेम होते हैं और डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? सब हो जाती हैं। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का क्यूब फोर्थ क्वेश्चन में बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है और नीचे जो बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं यानी कि सेवन मल्टीप्लाई नाइन होल पावर थ्री सेवन मल्टीप्लाई नाइन इज सिक्सटी थ्री एंड सिक्सटी थ्री का क्यूब जो होगा वो फाइनल आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन के केस में बेस सेम है तो उस केस में क्या होगा पावर्स एड हो जाएंगी यानी सेवनटीन बेस टू द पावर टू प्लस माइनस फाइव सेवनटीन टू माइनस फाइव यानी सेवनटीन की पावर माइनस थ्री अब याद करिए 17 की पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 1 अपॉन सेवनटीन क्या क्यूब सिक्स क्वेश्चन में अगेन दोबारा से पावर की भी पावर है तो इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी फाइव

प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री रेस टू द पावर सेवनटीन ध्यान ये रखना कि जो माइनस होता है वो इस पावर के आगे लगेगा यानी कि जब आप माइनस करोगे तो अगर पावर नेगेटिव है तो वो माइनस होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी एट्थ क्वेश्चन में बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो उस केस में क्या होता है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाती है सेवन अगेन सिक्सटी रेस्ट टू द पावर माइनस थ्री अब इस पावर को अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 upon 63 का क्यूब फ्रैक्शन में पावर में दी गई है पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है और पावर्स दी गई हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं उस केस में ऐड हो जाती हैं तो टू एज इट इज रहेगा टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री क्या हो जाएगा टू की पावर थ्री अपॉन थ्री और थ्री अपॉन थ्री क्या होता है वन ही होता है यानी टू रेस्ट टू द पावर वन विच इज टेंथ क्वेश्चन में थ्री की पावर समथिंग है और उसकी भी पावर समथिंग है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन फाइव क्या हो जाएगा थ्री रेस्ट टू द पावर फोर अपॉन फाइव और अगर आपको इसको और ज्यादा बेटर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो थ्री रेस टू द पावर वन अपॉइन फाइव था इसका मतलब थ्री का फिफ्थ रूट किया गया था और उसकी भी पावर क्या थी फोर यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसे हमें solve करना है तो 3 upon 2 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं या तो हम बोल दें कि फोर रेस टू द पावर थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉइंट टू तो पावर्स को मल्टीप्लाई करने पर थ्री अपॉइंट टू ही आएगा या फिर हम बोल सकते हैं फोर रेस टू द पावर वन अपॉइंट टू एंड देन उसकी पावर थ्री अपॉन टू ही आएगा फोर का क्यूब क्या होता है पावर हाफ है, है यानी कि फोर का स्क्वायर रूट किया गया है और उसका क्यूब किया गया है यहाँ पर सिक्सटी फोर का हाफ है इसीलिए यहाँ पर सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट किया गया है जो की एट होता है फोर का स्क्वायर रूट करने पर टू आता है और उसका क्यूब करने पर एट आता है तो आप इन दोनों मेथड्स में से दोनों अप्रोच में से कोई से भी अपनाएं आंसर जो है वही आएगा तो अगर आप इसके एन के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है और बेहतर तरीके से समझ आने लगेंगे सो so फाइनली ये लेक्चर यही होता है एंड और इसी के साथ चैप्टर वन भी कम्पलीट होता है इसके बाद जो है एक्सरसाइजेज की वीडियोज आएंगी जिसमें हम सोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ़ यू डिड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय आई सी इन द नेक्स्ट वन